संभाग मुख्यालय अंबिकापुर में संचालित जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय स्थापना काल से ही आज तक किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है, जिससे सालाना लाखों रुपए की राजस्व की क्षति जिला प्रशासन को हो रही है। दरअसल अंबिकापुर में संचालित जिला आयुर्वेद अधिकारी कार्यालय वर्ष 1979 से आज तक किराए के भवन में संचालित किया जा रहा है। समय के साथ साथ भवन का किराया दर भी बढ़ता गया, लेकिन आज तक खुद का भवन नहीं मिल सका, जिससे लाखों रुपए के राजस्व की क्षति हो रही है। अधिकारियों की माने तो भवन की मांग को लेकर कई बार स्वास्थ्य मंत्री से भी बात की गई, लेकिन अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है। समय के साथ साथ कर्मचारी भी बढ़ गए, लेकिन छोटे से भवन में लोगों को बैठना भी मुश्किल हो रहा है। और यहाँ जिला कार्यालय आयुर्वेद का 89 से रन कर रहा है। सर, ये क्या वजह है कि सर अभी तक उधार के किराए के लेंगे इतना बड़ा जिले का कार्यालय चल रहा है? ये कई बार लिखा तो गया विभाग को, वरिष्ठ कार्यालय को, और अभी तक बिल्डिंग का बजट नहीं वहाँ से आ पाया, इसलिए नहीं बन पाया। और क्या कोई जगह चिन्हांकन किया गया है, क्या कहीं बनना है जो फंडिंग की कमी है? जी, अब हमारा जिला चिकित्सालय गंगापुर में संचालित है, वहाँ पे जमीन है हमारे पास, यदि फंड वहाँ मिलेगा वरिष्ठ कार्यालय से तो वहाँ बन सकता है। शहर से स्वास्थ्य मंत्री भी आते हैं क्या, आप लोग उनसे मिलकर समस्या बताई है? अभी तत्काल तो नहीं मिले हैं, पहले मिले थे। क्या मिला सर? तो उन्हें कहा कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दो और देखते हैं, जो तो आवेदन दे दिए थे। सर, इसके साथ ये भी है कि तीन जिले की कार्यालय ये अंबिकापुर में चल रहा है, क्या वजह है, क्या मानते हैं ये? इसके संबंध में मैं कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि ये प्रशासन की व्यवस्था है। प्रशासन ने चूंकि दोनों और अन्य दो जिलों में सूरजपुर और बलरामपुर में अभी तक आयुर्वेद का कार्यालय ओपन नहीं किया है, इसलिए यहीं से संचालित हो रहा है, अंबिकापुर से ही संचालित हो। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।